देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन में अपने को क्या पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में पढ़ने से पहले अपने पास में है कि स्ट्रेट लाइन जो है अपने पास में स्टूडेंट्स वो टू डायमेंशनल कंसेप्ट की स्ट्रेट लाइन है। टू डायमेंशनल आपके पास में स्ट्रेट लाइन है कि 2D की जो फॉर्म है स्ट्रेट लाइन है वो अपने को यहाँ पढ़ते हैं, और 3D स्ट्रेट लाइन अपन 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो 2D ज्योमेट्री पढ़ने से पहले जो 2D ज्योमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपने को आने चाहिए, तभी हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ पाएंगे। क्योंकि सारे सारे 2D ज्योमेट्री के, जैसा हमने इसमें 2D ज्योमेट्री का जो चैप्टर पढ़ा था अपने पास में, वो सारे के सारे जो 10th क्लास के कंसेप्ट थे 2D के, वो सारे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो उस 2D ज्योमेट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मैंने वापस एक बार यहाँ पे इवोल्यूट किया है, तो आप उसको देखें कि किस तरीके से आपके पास में उसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास में फॉर्मूला था बेसिक कंसेप्ट ऑफ 2D के बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, सारा रिकॉल करते हैं जो 10th क्लास का था वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। सबसे पहले तो हमने दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पढ़ी थी। पहला पॉइंट आपके पास में x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। तो दो पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ab = √(x2 − x1)² + (y2 − y1)² इसके बेसिस पे अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, ठीक है। 3D ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट में यही होता है, पर 3D ज्योमेट्री के बेसिक पार्ट में एक और कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो जाता है। अभी अपन 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले जो हमने रिजल्ट निकाले थे आपके पास में, कैलकुलेट किए थे रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस आपके पास में, डिस्टेंस के बेसिस पे आपके पास में कैलकुलेट द रिजल्ट अबाउट टू द ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी हमने रिजल्ट कैलकुलेट किए थे 10th क्लास के अंदर, कि आपका ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल कब होगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल कब होगा, जब हमने ये कहा था कि जब भी कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल होगी, ट्रायंगल की कोई भी दो ट्रायंगल होगी डिस्टेंस इक्वल होगी तो उसको अपन कहेंगे आइसोसेलिस ट्रायंगल, कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल होगी। जब एक भी डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी तो उसको कहा था हमने, वो उस ट्रायंगल का नाम क्या रहेगा, स्केलर ट्रायंगल रहेगा स्टूडेंट्स। जब डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगी, जब PT आपके पास में लगेगी पाइथागोरस के एक डिस्टेंस का स्क्वायर = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू डिस्टेंस, तो आपके पास में वो जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा, राइट एंड ट्रायंगल। ये डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने किया था। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने कहा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सभी साइड्स इक्वल रहेगी। तो ये जो आपके पास में चार चीज़ें हैं अबाउट टू द, हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस की थी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा 10th क्लास का, आपके पास और याद नहीं आ रहा तो 10th क्लास की बुक लेकर के आप वापस उसको देखें कि आइसोसेलिस ट्रायंगल जब दो साइड्स इक्वल थी, स्केलर ट्रायंगल स्टूडेंट जब एक भी साइड इक्वल नहीं थी, राइट एंड ट्रायंगल जब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हुई थी, तो एक साइड का स्क्वायर = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, और इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास में था जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, भी हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल के आपके पास में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन हो रहा था। रोम्बस आपके पास में सारी साइड्स इक्वल होती है, ओके, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर सारी साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है पर डिस्टेंस पैरेलल को नहीं बताती, तो अपन कहेंगे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर आपके पास में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के अंदर और आपके पास में पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ओके। ये सारी साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल नॉट इक्वल, सारी साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आल्सो इक्वल, दैट्स कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो ये सब सारी चीज़ें अपने पास में चार रिजल्ट हमने अबाउट टू द क्वाड्रिलेटरल्स भी निकाले थे, कौन सी क्लास में, 10th क्लास के अंदर। तो ये भी आपके पास में यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, तो उसको भी अपने को देखना है। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस बेसिस के बेसिस पे, डिस्टेंस आपके पास में फॉर्मूले से बेसिस पे हमने क्या निकाली थी, कोलिनियरिटी ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्टेंस। कोलिनियरिटी ऑफ डिस्टेंस कैसे निकाली थी, व्हेन वी हैविंग अ थ्री पॉइंट, फर्स्ट इज x1 y1, सेकंड इज x2 y2 और थर्ड इज x3 y3, व्हेन वी हैविंग अ थ्री पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 फॉर द कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी आपके पास में हमने कहा था कि डिस्टेंस AB, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और जो BC डिस्टेंस है आपके पास में, AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस का सम = द डिस्टेंस ऑफ AB। अगर AC फॉलो हो रहा है कि AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस = डिस्टेंस ऑफ AC, ए डिस्टेंस प्लस AC डिस्टेंस = होल डिस्टेंस, तो हम कहते थे कि ये कोलिनियरिटी है, तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर में हो जाएंगे, एक ही लाइन में हो जाएंगे, ओके। फिर हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था। सारे के सारे कंसेप्ट वही जो 10th क्लास के, वो रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे यूज़ होने वाले, तो अपने को वो सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, है ना। हमने कहा था कि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3। ABC 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अब वो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो ट्रायंगल के एरिया का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3
y1 - y2 का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब नेगेटिव एरिया नहीं आना चाहिए था। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास के अंदर रटा भी होगा, है ना, इसको रट्टाफिकेशन भी आपने यूज़ किया होगा। जैसा भी आप इसको याद कर सकते हो, आपने 123, 231 और 312 करके भी इसको याद किया होगा, तो जैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं वैसे आप उसको याद करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक चीज़ और देखी थी कि अगर स्टूडेंट्स इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, अगर इस ट्रायंगल का एरिया जीरो हो जाएगा मतलब बी पॉइंट ए पॉइंट यहाँ से हट गया यहाँ आ जाएगा, तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी दे सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है तो गिवन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन थ्री पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके, कोलिनियर हो जाएंगे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है आपके पास में, जीरो हो जाता है। फिर हमने स्टूडेंट्स 10th क्लास के अंदर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा था आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला, कि सेक्शन फॉर्मूला कैसा है कि जो बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स एक्स कोमा वाई, ये अपन सब पढ़ के आ चुके हैं, एक्स कोमा वाई है, जो इस ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, एसी लाइन को बी पॉइंट एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। कोई इसको के रेशियो वन कहता है, कोई लैम्डा रेशियो वन भी कहता है, ठीक है, कोई एम वन एम टू भी कह सकता है। तो क्या कर रहा है, बी पॉइंट है वो इस एसी लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अगर ये आपके पास में बी पॉइंट है वो एसी लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में हमने कहा कि यहाँ पे दो सेक्शन बनते हैं, एक बनता है इंटरनल सेक्शन, एक बनता है एक्सटर्नल सेक्शन। ओके, इंटरनल सेक्शन कैसे निकालते हैं कि x इज इक्वल टू ये जो m है वो x से मल्टीप्लाई करता है क्योंकि x कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, और जो n है वो भी x से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकल जाते हैं अपॉन m प्लस n। तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, जब x की बारी आ गई तो m इधर से और ये इधर से अपॉन आपके पास से मल्टीप्लाई करेगा अपॉन एम प्लस एन। y की बारी आएगी तो m y से करेगा, एन वाई वन से करेगा, तो एन वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल आपके पास में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके पास में आ जाती है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल के केस में ये जो प्लस आपने लगाया है उस साइन को क्या कर देंगे, माइनस, तो जो डिवीजन होगा उसको क्या कहते हैं आप, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, केवल माइनस आ जाएगा। तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन और एन वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ऊपर नीचे दोनों जगह आपके पास में ये जो साइन है प्लस का उसको क्या बना देते हैं माइनस, तो डिवीजन आपके पास में कौन सा हो जाता है स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल डिवीजन, और प्लस रहता है जैसा कि आप पढ़ के आए हो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल सेक्शन कहते हैं और इसको एक्सटर्नल सेक्शन कहते हैं। फिर आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा, इसी से जनरेट हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला के रेशियो वन रेशियो वन होता है, तो आपके पास से मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने याद भी किया होगा कि एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, दैट्स योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट निकालना है तो आप इस तरीके से आपका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप थ्री सेक्शन का भी डिवीजन किया होगा आपने, थ्री सेक्शन का भी डिवीजन किया होगा आपने कि थ्री सेक्शन आपके पास में कैसा होता है, तो ट्राई सेक्शन आपके पास में आपने ट्राई सेक्शन भी किया होगा कि आपके पास में जो ट्राई सेक्शन का डिवीजन है वो कैसा होता है, कि ट्राई सेक्शन के लिए आपके पास में एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच में दो पॉइंट्स आते हैं, है ना, सी और डी। ट्राई सेक्शन किया तो आपने वन रेशियो वन किया होगा, जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले होंगे तो वन रेशियो टू आपके पास में लिया होगा, जब इसके कोऑर्डिनेट निकाले होंगे तो टू रेशियो वन लिया होता, तो ऐसे ट्राई सेक्शन का भी आपको पूछ सकते हैं, तो ट्राई सेक्शन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास में ये थे बेसिक फॉर्मूले ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद स्टूडेंट्स अपन देखते हैं आपके पास में कि मेन आपके पास में स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, हमारी मेन स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या कहता है वो अपन इसके अंदर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट अपने पास में, अपन ने 2D देखी, 2D के फॉर्मूले के बाद अपने पास में आता है स्ट्रेट लाइन का बेसिक कंसेप्ट। स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को मैं किस तरीके से, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि स्ट्रेट लाइन के हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहली बात है आपके पास में इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, टू डायमेंशनल पढ़ रहे हैं इसलिए दो एक्सिस है, ओके, दो को यूज़ करना है। तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के आपके पास में बात करें कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो हमेशा वाई इज इक्वल टू जीरो कहेंगे, इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, गेटिंग, और वाई एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो इज ए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो इज ए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड एक्स इक्वल टू जीरो इज ए इक्वेशन ऑफ आपके पास में वाई एक्सिस। ओके सेकेंड, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लोप, इस स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन हैविंग टू पॉइंट्स। देखो स्लोप किसे कहते हैं, स्लोप हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे आपके पास में, ऐसे देख सकते हैं कि एक आपका ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाती है, दैट्स कॉल्ड अ स्लोप, है ना, कि इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस, दैट्स कॉल्ड अ स्लोप, स्लोप के साथ में वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइड है उसको आपके पास में जो वैल्यू होगी, उस एंगल की जो वैल्यू रहेगी, दैट्स कॉल्ड अ स्लोप। इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। अ लाइन
मेक अ इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड स्लोप. ओके, उसको स्लोप बनाए. तो अब अपने को क्या करना है, तो स्लोप निकालने की दो डिफरेंट कंडीशन है, उन दोनों को पढ़ना है. पहली कि अगर आपके पास में इंक्लिनेशन एंगल नहीं दिया हुआ और दो पॉइंट्स दे दिए किसी लाइन के, ए और बी, आपके पास में दो पॉइंट्स है, उससे बनने वाली लाइन है ए बी, तो कहा कि इसका स्लोप बताया कि इसका स्लोप क्या होगा. तो हमने कहा कि अगर स्लोप के लिए दो लाइन के दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप हम यूज़ करेंगे स्लोप एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट्स अवर स्लोप. वो है हमारा स्लोप, उसको कहेंगे स्लोप क्या, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस वाई वन. वैन वी हैविंग अ टू कॉर्डिनेट्स देन वी कैलकुलेट द स्लोप y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. ओके, थर्ड अगर स्टूडेंट समय दो पॉइंट्स नहीं गिवन है और किसी ने कहा कि स्लोप कैलकुलेट करो, पॉइंट्स तो नहीं गिवन है पर स्लोप कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा है ना, आपके पास है पॉइंट, अब दो पॉइंट नहीं है, अब क्या है उन्होंने थीटा दे दिया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको अपन कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज. जब एंटी क्लॉकवाइज में आपको एंगल दे रखा है, क्लॉकवाइज नहीं चलेगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको आपके पास में, या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा तो उसको 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज आएगा. तो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका स्लोप एम इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, उसको कहेंगे अपन टेन थीटा, डायरेक्ट है ना. इस स्लोप को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला कह सकते हैं कि आपके पास में स्लोप क्या होगा, दैट इज अ टेन थीटा. ओके, कब, जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में आपको एंगल दे रखा है, जिसको अपन कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल दे रखा है, देन योर स्लोप एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा. ओके, टेन थीटा से स्लोप निकालेंगे यहाँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से. ओके, कैसे, समझो कि यहाँ पे हमारे पास है दो लाइन है, एक लाइन है एल वन, ये एल वन लाइन है, दैट इज एल वन लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहना है मैं, और तो इसका स्लोप, इस लाइन एल वन का स्लोप बात करें तो इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा. ओके, अगर एक और लाइन है एल टू, है ना, कितनी भी लाइन हो सकती है, एक और लाइन है एल टू बेटा, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल बनाना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा एंगल बनाना है, तो इसका स्लोप हो जाएगा स्लोप एम इज इक्वल टू टेन अल्फा. ओके, तो इस तरीके से आपके पास में आपको एंगल जो लेना है वो कहाँ लेना है स्टूडेंट्स, वो एंगल लेना है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेंगे तो आपके पास में स्लोप एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा. नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, ध्यान रखना. अब अपने पास में यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्टार्ट हो रही है, कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो, लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, कब, जब वो वन पॉइंट से पास हो रही है, ये आपको गिवन है, वन पॉइंट गिवन है ना, एंड स्लोप इज गिवन. स्लोप दोनों फॉर्म में से हो सकता है आपके पास में, या तो एंगल दे दिया तो स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर दो पॉइंट दिए हुए तो स्लोप निकाल सकते हैं. तो आपके पास में कह रहा है कि स्लोप गिवन है, स्लोप की वैल्यू गिवन है आपको, तो स्लोप की वैल्यू या तो थीटा गिवन हो सकता है, या स्लोप डायरेक्ट दे सकता है कि इस लाइन का स्लोप इतना है, तो बताओ आपके पास में इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी. तो आपको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन याद रखनी है स्टूडेंट्स, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन. इसको वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास में एक पॉइंट है इसके अंदर और एक स्लोप है, दोनों वैल्यू गिवन होगी, आपको उसके अंदर पुट करना है, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. फिर आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स. अब देखो कि लाइन की इक्वेशन तो हमेशा ये कि यही चलने वाली है, पर यहाँ पे आपके पास में क्या पॉइंट तो गिवन है, पॉइंट तो अपन यूज करेंगे दो पॉइंट में से कोई सा भी एक, लेकिन स्लोप भी तो होना चाहिए, यहाँ पे तो स्लोप आता है. तो स्लोप निकालने के लिए हमने कहा कि दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको स्लोप कह देंगे. तो हमने ये का ये फॉर्मूला यूज़ किया स्टूडेंट्स, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बट एम आपके पास में हमने क्या यूज़ किया है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, जो आपका क्या है स्टूडेंट्स, एम है, ये और ये दोनों इक्वल है, और दो पॉइंट का स्लोप यही निकाला था हमने, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये रहा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स वन. आप इसको याद नहीं भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, एम यूज़ करें, और एम को कैसे कैलकुलेट कर ले इस वाले फॉर्मूले से. ओके, तो दैट इज़ अ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट, लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट से पास होती है. ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आपके पास में लाइन आती है, इधर देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की. एक लाइन है आपके पास में जो एक्स आपके पास में वाई एक्सिस के साथ में एक इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये लाइन है ना, ये लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है. ये क्या कर रही है, वाई एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट कट कर रही है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है सी. ओके, एक्सिस के साथ में भी कर रही है पर उसके बारे में हमें पता नहीं है, तभी
अभी केवल कितना गिवन है कि लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड सी, तो उसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम तो उसका क्या होगा, स्लोप। एम तो क्या होगा उसका, स्लोप होगा, स्लोप होगा एम। और आपके पास में सी क्या होगा, सी इज इंटरसेप्ट पार्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट पार्ट उसने कट किया है उसका नाम हमने रखा है सी। तो जब वाई एक्सिस के साथ में इंटरसेप्ट पार्ट कट करती है कोई भी लाइन, उसकी कैलकुलेशन करनी है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम उसको कंपेयर करेंगे। स्लोप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, और उससे क्या निकाल सकते हैं अपन, इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द वाई एक्सिस। ओके, फिर आपके पास में स्लोप, एक तो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें स्लोप आता है, और एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें स्लोप नहीं आता है। ओके, बहुत ज़्यादा डिफरेंट ये है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसके अंदर स्लोप आता है, इट इज़ अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसके अंदर स्लोप आता है, और एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म जिसके अंदर स्लोप नहीं आता है। ओके, तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी, सेम ऐसी ही ऐसी है, बट इसने क्या दो इंटरसेप्ट कट किए, एक तो आपके पास में वाई एक्सिस पर बी है और एक्स एक्सिस पर कितना ए, तो जब एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट पार्ट कट किया, वाई एक्सिस पर बी है, तो उसकी इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन मेकिंग अ इंटरसेप्ट ए ऑन द एक्स एक्सिस एंड बी ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपके पास में ए इंटरसेप्ट पार्ट हो रहा है, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट पार्ट हो रहा है बेटा, बी। तो आपके पास में एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन इज अ इंटरसेप्ट फॉर्म, और दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, ये भी बहुत बार यूज होने वाली है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, जब भी एम और आपके पास में सी निकालना होगा तो आपके पास में ऐसा होगा। ठीक है, आपके पास में नेक्स्ट होती है नॉर्मल फॉर्म, कि नॉर्मल फॉर्म कैसे होती है। नॉर्मल फॉर्म में देखो क्या होता है, कुछ अलग ही डिफरेंट कंसेप्ट हो जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, हमें इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, कि ये जो ए बी लाइन है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में उसकी इक्वेशन फाइंड करो। लेकिन आपको क्या क्या गिवन है, इस ए बी लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है ओरिजिन से, जिसका नाम रखा है पी, ना अलग ही चीज़ दे रखी है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एक्स एक्सिस के साथ में आपके पास में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक एंगल बना रहा है, जिसका यूज़ किया सिंबल डब्लू, डब्लू इट मीन्स यहाँ पे यूज़ किया, इसको अपन यूज़ करते हैं ओमेगा, जिसको ओमेगा कहते हैं ना, ओमेगा भी रीच करते हैं इसको। ओके, आपके पास में इसको ओमेगा कहते हैं, किसको, ये जो डब्ल्यू जैसा दिख रहा है ना, इसको अपन ओमेगा रीड करते हैं। थीटा भी लिख सकते हो, फाइव भी लिख सकते हो, अल्फा भी लिख सकते हो, लेकिन थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये थीटा आपके पास में वहाँ अपन कहीं ना कहीं टेन थीटा स्लोप के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए अपन ने यूज़ नहीं किया, तो आप अल्फा भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी कब, आप समझो कि एक ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी गिवन है, और जो परपेंडिकुलर्स मेक द ओमेगा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज एक्स कॉस ओमेगा या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो दैट इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन की एक इक्वेशन है जो अपने को ध्यान में रखनी है, कौन सी, नॉर्मल फॉर्म। तो कुछ फॉर्म ऑफ लाइन है जो अपन ने अभी देखी आपके पास में कि किस तरीके से है, किस तरीके से उसके इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, वाई एक्सिस की इक्वेशन, स्लोप दो पॉइंट से, स्लोप थीटा के प्रेजेंस में आपके पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट स्लोप इज गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। देखते हैं नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि एक जनरल फॉर्म, एक जनरल इक्वेशन लेंगे और उसको इन तीनों के अंदर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ अवर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमें, उसको देखते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की एक जनरल इक्वेशन है उसको आपको कन्वर्ट करना है, जो भी अपन ने देखी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा कि ये अपनी इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ऑफ आपके पास में एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आपके पास हमें पता है क्या थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो इसमें इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमारी इक्वेशन थी, हमने क्या करेंगे कि बी वाई को तो इधर रखा, इस ए एक्स और सी को उधर भेजा, दोनों माइनस के हो गए, वाई अकेला होना चाहिए, तो वाई अकेला होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा बी से, तो बी से डिवाइड किया, तो एक तो आपके पास है माइनस का बी, माइनस का ए बाई बी आया और एक माइनस का सी बाई बी आया। तो अपने पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन तो ये होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे तो सी की जगह तो कितना है, माइनस का सी बाई बी है, और आपके पास में एम की जगह कौन है, एम की जगह माइनस का ए बाई बी है, ये एम की जगह, तो स्लोप और आपके पास में सी की जो वैल्यू है इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास में इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट पार्ट निकालने हैं। तो हमने कहा कि हमारी इक्वेशन ये थी, हमने सी को उधर भेज दिया, माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो इधर वन बचा, एक्स का कोफिशियंट वन होना चाहिए, तो सी माइनस का सी बाई ए लिखेंगे,
इसको माइनस का c बाई बी इज इक्वल टू वन कंपेयर करेंगे तो ये a था x बाई ए प्लस ये y बाई बी था, तो ये माइनस का जो c बाई ए आया है दैट इज योर इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द x एक्सिस, और आपके पास में ये जो आया है दैट इज इंटरसेप्ट पार्ट ऑन द y एक्सिस, ये x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या है इंटरसेप्ट पार्ट आ गया आपके पास में। तो जनरल इक्वेशन को आप इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन को आप इस तरह के इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कि आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको इसका नॉर्मल फॉर्म बनाना है। इसके नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, ये अपने पास में मेथड है इसको कन्वर्ट करने का, डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ए और बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड वाई है, उसका अनरूट लेंगे स्क्वायर करके सम करके अनरूट लेंगे ऑन बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया ax अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी वाई अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ओके, सी को उधर भेज देंगे क्योंकि डिस्टेंस में आपके पास में जो नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी होता है, तो हमारे पास पी उधर भेज देंगे। ये क्या होता है, ये सी को उधर भेजा आपके पास में, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेजा तो माइनस आ गया स्टूडेंट्स माइनस, पर ये तो क्या होता है, ये पी होता है, डिस्टेंस होती है, ये पी होता है आपका, डिस्टेंस होती है नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म याद हो तो नॉर्मल फॉर्म लिखूँ मैं यहाँ पे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, तो पी होता है, पी डिस्टेंस होती है, बट ये डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव है, नहीं चलेगा, ये नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होती, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस को स्टूडेंट्स इधर भेजना पड़ेगा, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस आएगी। देखो आपके पास में तो ए माइनस एक्स, माइनस का ए एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नेगेटिव हो गया, और माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नेगेटिव हो गया, और सी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब अपने पास में इसको क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, अपनी इक्वेशन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी से कंपेयर करेंगे, तो देखो पी इज इक्वल टू तो कितना हो गया, सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस ओमेगा कितना, माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपके पास में ये कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज साइन ओमेगा, तो वैल्यू निकालेंगे ओमेगा की, ध्यान रखना दोनों कंडीशन में ओमेगा की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, तो दैट इज अपन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं जनरल फॉर्म को। अब होता है नेक्स्ट है बेटा, एंगल बिटवीन दो लाइन, दो लाइन के बीच में आप एंगल कैसे निकाल सकते हो, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एंगल कैसे निकालोगे, एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे निकालना है, तो हमने कहा कि दो लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, ये तो L1 है और ये कितनी है, ये आपकी L2 है, L1 और L2 दो लाइन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, थीटा है। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो आपके पास में आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है इसको, दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो हमने कहा कि देखो एंगल लाइन, जब एंगल बिटवीन टू लाइन की बात करेंगे तो दो एंगल निकलेंगे, एक तो थीटा निकलेगा इधर और इधर कितना निकलेगा 180 माइनस थीटा, दो एंगल निकलेंगे थीटा और 180 माइनस थीटा निकलेगा, तो हमने एक फॉर्मूला यूज करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस ए वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, दैट इज अ फॉर्मूला फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइन, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। वाई वी यूज मॉडुलस, बिकॉज दो एंगल है, एक थीटा है और एक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से एक एंगल निकल जाएगा m2 टू माइनस सेवन अपॉन वन प्लस वन प्लस एम वन एम टू करोगे पॉजिटिव लेकर के एक एंगल निकलेगा, ओके, और नेगेटिव लोगे तो आपके पास में एक एंगल यहाँ से निकल जाएगा, नेगेटिव नहीं लोगे तो जो एंगल आएगा उसको 180 में से माइनस करोगे तो दो एंगल निकल जाएंगे, ये दो होंगे ना, एक थीटा होगा एक 180 माइनस थीटा होगा। फिर आपके पास है नेक्स्ट की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस, दैट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगी स्टूडेंट्स, तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, वो इस लाइन ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी से डी डिस्टेंस पे है, तो बताओ कि डी डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, ए एक्स वन वाई वन है यहाँ पे पुट करने एक्स वाई की जगह एक्स वन वाई वन, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी आपके पास में एज इट इज अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके मॉडुलस ले लेंगे, तो दैट्स अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस जो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी, ओके, कोई दूसरी डिस्टेंस हमें नहीं फाइंड करनी है, नहीं लिखा हुआ तो भी वो परपेंडिकुलर ही है, तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको ध्यान में रखना है, इसी बेसिक कंसेप्ट में आपके पास में एक लास्ट कंसेप्ट और बचा हुआ है आपका, उसको भी देख ही रहते हैं कि जब दो लाइन आपके पास में पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे। स्टूडेंट्स अगर दो लाइन पैरेलल है तो हम कहेंगे आपके पास में कि दोनों का स्लोप है वो इक्वल रहेगा, ओके, कैसे, देखो दो कंडीशन है, एक तो पैरेलल लाइन है और एक परपेंडिकुलर लाइन है, समझना, फिफ्थ नाम दे देते हैं इसको, दो लाइन है L1 और L2,
तो इफ एल वन इज पैरेलल टू एल टू देन इसका जो स्लोप है और इसका स्लोप वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इफ एल वन इज पैरेलल टू एल टू देन स्लोप ऑफ एल वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, दोनों का स्लोप क्या रहेगा इक्वल, जब दो लाइन कैसी है पैरेलल है, ठीक है। अब आपके पास में इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, देखो ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक L1 लाइन है और परपेंडिकुलर है 90 डिग्री एंगल पे, आपके पास में कौन सी लाइन है L2 लाइन है। दूसरे की आपके पास में थीटा, तो कैसे कैसे था थीटा, तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो L1 लाइन L2 है, तो अगर इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है और दोनों लाइन इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन आपके पास में देन M1 और M2 का प्रोडक्ट हमेशा माइनस वन होता है, ध्यान रखना। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो M1 M2 दो लाइन का प्रोडक्ट आपके पास में है, स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा हमेशा माइनस वन रहेगा, कब जब वो परपेंडिकुलर है तब। और कितनी भी लाइन पैरेलल है, वन टू थ्री सबका स्लोप क्या रहेगा इक्वल रहेगा, ओके। तो और एक और लास्ट है आपके पास में कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, इसके बीच की डिस्टेंस d है, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस डी है जो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। ये लाइन आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो है और पैरेलल है, इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स अगर लाइन पैरेलल होती है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते हैं, है ना, एक अपना एक आइडिया भी हो गया कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके कोफिशिएंट देखो, एक्स का ए है और वाई का भी है, इसका भी एक्स का ए है वाई का भी है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डी, तो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं सी टू माइनस सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स देखो इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया जाए कि ये जो लाइन है आपके पास में L1, इसको तो कहा इन्होंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और इसको कहा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, भाई कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। तो आपका उस कंडीशन में अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है, तो इस कंडीशन में आपकी जो डिस्टेंस d हो जाएगी वो हो जाएगी सी टू माइनस सी वन, देखो सी टू माइनस सी वन तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि सर दो फॉर्मूले आपके पास में यूज है, दोनों एक ही है, जब आप इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो आप तो या तो ये यूज करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो है, तो या तो ये लगाएंगे जब ए और बी हो तो, और जब स्लोप की फॉर्म में आपके पास में है तो दोनों का स्लोप इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, तो C1 और C2 अलग रहेंगे, तो C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बीच में लगा देते हैं अपन और, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक कंसेप्ट थे आपके पास में किसके, स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमने देखे हैं। अगर ये सब सारे कंसेप्ट आपको याद है तो आपके लिए स्ट्रेट लाइन का चैप्टर दुनिया का सबसे सिंपल चैप्टर है, और ये सब सारी चीज़ आपको याद नहीं है तो दुनिया का सबसे हार्ड चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये सब सारे कंसेप्ट आप एक बार देखें समझे क्या आपके पास में है इसके अंदर, उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे तो आपको एक्सरसाइज सिंपल लगेगी, अदरवाइज आपके पास में एक्सरसाइज हार्ड लगेगी। ये सारे के सारे कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए, अगर याद रहेंगे कोई कौन सा कंसेप्ट कहाँ लग रहा है ये तभी पता चलेगा जब आपको सारे के सारे चीज़ें याद होगी, अदरवाइज नहीं, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थे बेसिक कंसेप्ट, आप इसको पढ़ना है समझना है, ओके। और कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से वापस डिस्कस करते हैं और इसके बेसिस से स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट्स। तो पहले आप कंसेप्ट पढ़ें फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।